नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। फरीदाबाद के NIT सेवा केंद्र पहुँचे 26 यूक्रेन रिटर्न MBBS छात्र। तनाव और चिंता मुक्त रहने के सीखे गुर। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से ईश्वरी योजना अभियान का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने किया आगाज। समाज सेवा प्रभाग का आयोजन। उत्तराखंड के गढ़वाल में चला 10 दिवसीय तनाव मुक्त प्रशासन शिविर। संस्था के प्रशासनिक सेवा प्रभाग और गढ़वाल सेवा केंद्र का संयुक्त आयोजन। और पश्चिम अफ्रीका के कोटे डी आइवर तट पर बसे आबिद जान शहर में COP15 सम्मेलन। ब्रह्मा कुमारीज अफ्रीका सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई शामिल। अब खबरें विस्तार से। MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए छात्रों को रूस और यूक्रेन वॉर के चलते पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। ये छात्र अपने भविष्य को लेकर अब तनावग्रस्त हैं और उनके अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएं सताई जा रही है। हमारी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी है। दरअसल हरियाणा में फरीदाबाद के NIT स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर यूक्रेन से आए 26 MBBS छात्रों के लिए काउंसलिंग एवं तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 26 छात्रों के साथ 14 अभिभावक भी पहुंचे। काउंसलिंग के पश्चात कई बच्चों ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि अभी हम अपने आप को हल्का और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहे हैं और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। बच्चों को तनाव मुक्त देख करके उनके अभिभावक भी खुश हुए और आगे भी सेवा केंद्र पर आते रहने का वायदा किया। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर से समाज परिवर्तन के लिए ईश्वरी योजना अभियान का केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय प्रतिमा भौमिक, त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ORC की निदेशिका बीके आशा, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम ने हरी झंडी दिखाकर आगाज किया। माननीय प्रतिमा भौमिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में सुख शांति पाने का एकमात्र स्थान ब्रह्मा कुमारी संस्थान है। ब्रह्मा कुमारी बहनें भारत को व्यसन मुक्त बनाने के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत है। आपकी अथक मेहनत और जज्बे को देखकर भारत सरकार भी आपके साथ नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहती है। हम सब कुछ मिलते हैं, कोई जहाँ भी जाते हैं सब कुछ मिलते हैं, लेकिन इनर पीस, जो इनर पीस चाहिए। मैं हर वक्त मणिपुर में हूँ, त्रिपुरा में हूँ, जहाँ भी इस ब्रह्म कुमारी जी के आश्रम में विद्यालय में आती हूँ तो एक चीज़ को मैं अनुभव करती हूँ, जो इनर पीस, जो इनर पीस चाहिए तो राजयुगनी में आइए। मैं ऐसा एक बात हर वक्त जिसमें जाती हूँ मैं उसको अनुरोध करती हूँ, क्योंकि हम पारंपरिक जो जीवन हम जीते हैं उसमें हम पीस पीस में जीते हैं, अलग अलग पीस पीस में हम जीते हैं। और टोटल जीतने का, जीने का जो शांति है, जीने का जो आनंद है, तो राजयुगनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलता है। त्रिनिदाद और टोबैको के उच्चायुक्त डॉक्टर रोजर गोपाल ने इस मौके पर कहा कि आपके जीवन का स्तर आपके ही विचारों पर निर्भर करता है और विचारों के स्तर को ऊपर उठाने की ही शिक्षा ब्रह्मा कुमारी संस्था देती है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि हमारे देश में भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेंटर्स हैं। Every thought that you have affects the entire cosmos, whether you see it or you don't. Everything is affected by thought. If we want to bring societal change, we want to bring a change to living, we want to bring a change to our ideologies, then it starts by looking at the quality of the thought, what we are telling ourselves all the time, that self-conversation, that self-dialogue.
And what should that base be based on? It should be based on joy, love, peace and patience. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्थान और प्रभाग के पदाधिकारियों ने भी अपने महत्वपूर्ण और प्रेरक विचार सभी के सामने रखे। सारी गरीबी जो दुनिया में हम देखते हैं, उसका मूल कारण भगवान ने बताया है चरित्र की गरीबी। हम जानते हैं, कहा जाता है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और ये चरित्र की गरीबी गरीबों में भी पाई जाती है तो अमीरों में भी पाई जाती है। जिनको हम समझते हैं ये साधन संपन्न है, लेकिन उनके अंदर भी चरित्र की गरीबी पाई जाती है, तो इस कारण से सारा समाज गरीब हो गया है। राजयोग के माध्यम से मानव के जीवन में सुख शांति की बंसी बजेगी और एक प्रकार से नूतन चरित्र का निर्माण होगा और फिर एक स्वप्न साकार होगा जो हमने कई वर्षों से देखा सुना कि यह भारत सोने की चिड़िया था। जो दुनिया आपको पसंद है वो कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? वो हमारा पिता है परमात्मा, और वो अपने दिए हुए वायदे के अनुसार, वायदा क्या है कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो मैं अवश्य आऊंगा, और आज वो समय जब धर्म की अति ग्लानि है और परमात्मा अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। आइए हम कदम बढ़ाएं और अपने पिता परमात्मा के उस कार्य में सहयोगी बने। उत्तराखंड के शासन और प्रशासन अधिकारियों को तनाव मुक्त बनाने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रशासनिक सेवा प्रभाग और गढ़वाल सेवा केंद्रों के माध्यम से 10 दिवसीय तनाव मुक्त प्रशासन अभियान चलाया गया। इस अभियान के चलते पौड़ी गढ़वाल जिला अधिकारी कार्यालय, श्रीनगर गढ़वाल नगर निगम, गोपेश्वर चमोली पुलिस लाइन, उत्तरकाशी ITBP कैंप, नई टिहरी THDC इंडिया लिमिटेड, हरिद्वार जिला अधिकारी कार्यालय और रुड़की नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े और पूर्व IAS अधिकारी BK सीताराम मीणा, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक BK हरीश, इस अभियान के अध्यक्ष एवं खेल प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक BK मेहरचंद, मोहाली के राजुक शिक्षिका BK सुमन, CISF के डिप्यूटी कमांडेंट प्रदीप मिश्रा समेत कई वक्ताओं ने प्रशासन कला को निखारने के लिए कई कारगर युक्तियां बताई और तनाव मुक्त रहने के लिए राजुक मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। रांची के प्रसिद्ध सुरेश्वर महादेव मंदिर में 108 फीट ऊंचे शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर ब्रह्मा कुमारी को भी विशेष आमंत्रण दिया गया, जिसके चलते हरमो रोड स्थित सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला, BK प्रदीप और BK इंदु ने लोगों को राजयोग मेडिटेशन और निराकार परमपिता परमात्मा शिव के नाम, रूप और कर्तव्य की विस्तार से जानकारी दी। बिहार के समस्तीपुर में नए सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर 5 दिवसीय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी और राजयोग मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने किया। उनके साथ इस मौके पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दशरथ मिश्र, CA गिरधारी लाल अग्रवाल, समाज सेवी ओम प्रकाश पालीवाल, BK सविता मुख्य रूप से मौजूद रही। पूसावैनी बाजार में आयोजित समारोह में महेश्वर हजारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनकर मन को शांति मिली है और हमारे दिल की शुभ भावना है कि पूसा सेवा केंद्र से सेवाओं का दायरा बढ़ता ही जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्य अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की।
गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन के नासिक पहुंचने पर कई स्थानों में पब्लिक प्रोग्राम्स का आयोजन हुआ, जिसमें देवलाली कैंप एरिया में रोटरी क्लब, इनर विल क्लब और देवलाली जन कल्याण फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी नासिक सेवा केंद्र के सहयोग से सिंधी पंचायत हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीके हुसैन ने कहा कि सुबह उठकर सबसे पहले कुछ देर मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि सुबह ध्यान में बिताए गए कुछ मिनट पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहने का जरिया बन जाता है। सुबह सुबह साइलेंस में बैठकर अपने मन को शांत करते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, तो वो तुरंत ही हमको क्या मिलता है, बहुत अच्छी हमको एनर्जी भी मिलती है, हम अपनी स्टेबिलिटी में आते हैं और उसके बाद हम अपने दिन की शुरुआत करें। कार्यक्रम के अंत में बोहरी समाज की मुस्लिम महिलाओं ने बीके हुसैन से खास मुलाकात की, जिसमें कार्यक्रम की संयोजिका नाज़नीन तारवाला भी थी। ऐसे ही वसंत व्याख्यान माला में आयोजित कार्यक्रम में बीके हुसैन ने तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए आध्यात्मिकता को अपनाने की बात कही। इस दौरान व्याख्यान माला के अध्यक्ष श्रीकांत बैनी, सचिव डॉक्टर संगीता बाफना, नासिक सबजोन प्रभारी बीके वासंती मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय खैरनार गुरुजी की तस्वीर पर माला अर्पण करके हुआ था। इसके अलावा प्रभु प्रसाद भवन में आयोजित स्नेह मिलन में नासिक रोड, सिडको, गंगापुर रोड, देवलाली कैंप, कोपर गांव सेवा केंद्र की बीके बहनों ने बीके हुसैन का सम्मान किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। धरती के मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे की समस्या का समाधान निकालने के लिए पश्चिम अफ्रीका के कोटे डी आइवर तट पर बसे आबिजान शहर में COP15 सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर से गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी सेक्टर के लीडर्स चर्चा करने के लिए शामिल हुए। UNCCD में ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता प्राप्त ब्रह्म कुमारीज अफ्रीका ने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया। ब्रह्म कुमारीज की ओर से केन्या के सीनियर राजयोग टीचर वी के प्रतिभा, पोलैंड के अनीता लॉज, साउथ अफ्रीका की जॉन निधि ऋतु, घाना के ग्रेस लोपेस चार्ल्स ने प्रतिनिधित्व किया। इस बार सम्मेलन में चर्चा का बिंदु भूमि, जीवन और विरासत, कमी से लेकर समृद्धि तक रहा, जिसमें बीके डेलीगेट्स की मुलाकात सेव सॉयल अभियान के इनिशिएटर सद्गुरु महाराज, जनरल कॉक्स बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद से हुई। साथ ही चर्चा के लिए एक राउंड टेबल सेशन में हिस्सा लिया। कई दिनों तक चले इस सम्मेलन में कई बड़े प्रोग्राम्स की ओपनिंग सेरेमनी भी आयोजित हुई, जिनमें से एक समारोह के दौरान UNCCD के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव और भारत सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से बीके प्रतिभा का मिलना हुआ और कई महत्वपूर्ण जानकारियां एक दूसरे से साझा की। इसी तरह केन्या के पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय के कैबिनेट सचिव विल्सन टोंकेई से भी बीके प्रतिभा की मुलाकात हुई। इस सम्मेलन में सिविल सोसाइटी सेक्टर के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक ओपन डायलॉग सेशन में बीके अनीता लॉज ने CSO वर्किंग ग्रुप के तौर पर अपना पक्ष रखा, जिसकी शुरुआत उन्होंने कुछ देर के मेडिटेशन कमेंट्री से की। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।